हेलो भाई, विवो रानन को लेकर एक अपडेट आ रही है गाइस। जैसा कि आप सबको बताया कि विवो रानन अभी जेल से बाहर है और वो कंटिन्यू ट्राई कर रहा है अपने फैन से कनेक्ट होने की। लेकिन गाइस जो है, विवो रानन लाइव वीडियो नहीं बना रहा है, ना ही लाइव आ रहा है। उसके पीछे का रीजन है गाइस, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट के जज ने ये बात भी बोली थी कि आप जो है, जब तक बेल पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है आप कुछ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ना ही आप लाइव जाके ऐसी कुछ बोल सकते हो। तो उसका नहीं, तो अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो आपका जो है बेल जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा गाइज ये जो है टर्म एंड कंडीशन है जिसकी वजह से विभो रानन लाइव नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो है विभो रानन की तरफ से एक अपडेट आई है गाइज। अब विभो रानन ने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर पे जाकर, और वहां पे उसने ये प्रॉमिस किया है सनी देओल से, भगवान सनी देओल से प्रॉमिस करते हुए बोला है कि जब तक जस्टिस के लिए वो अपने लास्ट अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, विभो रानन ने अभी पहले एक घंटे पहले एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की है। साथ में उन्होंने बोला है कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा जस्टिस के लिए। तो गाइज अब हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड विभो रानन का नरेटिव, जो नेक्स्ट नरेटिव है, वो कब आता है। इसके पीछे कई रीजन है गाइज, जो कि अभी विभो रानन कुछ नहीं बोल रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जल्द ही जल्द जो है, जैसे ही बेल पीरियड कंप्लीट होगा विभो रानन का, वो जरूर कुछ ना कुछ सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए जरूर बोलेगा। और अभी भी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए विभो रानन ने ये भी बोल ही दिया है कि वो जो है आखिरी सांस तक अपने स्टैंड लेता रहेगा और जस्टिस के लिए आवाज उठाता रहेगा। गाइज आपका क्या ओपिनियन है विभो रानन को लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।